आशा के मोती चैनल में साईं जी की व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज ही ना थी। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते, अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली, अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। दोपहर का समय था, एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साई सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साई के व्रत के बारे में बताया, 9 गुरुवार एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साई मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को बांट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना, साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना चाहिए। जो विधि से व्रत उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया, 9 गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, पुस्तकें भेंट दी, उनके घर में झगड़े दूर हुए, घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया, थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई, दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जिठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा, और यह भी कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। बोलो साईं बाबा की जय।